जयपुर के कनोडिया कॉलेज में भी छात्र संघ चुनाव के नतीजे घोषित हो गए। महारानी कॉलेज के बाद छात्राओं की दूसरी पसंद कहे जाने वाले इस कॉलेज में गंगा देवी छात्र संघ अध्यक्ष बनी। गंगा को कुल 23 में से 15 वोट प्राप्त हुए। उपाध्यक्ष पद पर साक्षी तंवर 20 वोट लेकर विजयी रही, जबकि महासचिव पद पर चंचल खींची 11 वोट लेकर जीती। संयुक्त सचिव पद पर सेजल मीणा 12 वोट लेकर विजेता बनी। कोषाध्यक्ष पद पर आयुषी झालानी ने निर्विरोध जीत दर्ज की। कनोडिया कॉलेज में कक्षा प्रतिनिधि प्रणाली से चुनाव होते हैं, जिसमें पहले कक्षा की छात्राएं अपनी क्लास की प्रतिनिधि चुनती है, उसके बाद ये कक्षा प्रतिनिधि कॉलेज के एपेक्स पदों के लिए वोटिंग करती है। परिणाम सामने आने के बाद कॉलेज में छात्राओं ने ढोल पर जमकर डांस किया, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता राहुल भारद्वाज ने। प्रदेश भर में गुरुवार को छात्र संघ चुनाव 2017 के लिए परिणाम जारी हुए हैं और राजस्थान विश्वविद्यालय और उसके संगठक कॉलेजों के अलावा जयपुर शहर के कई कॉलेजों में भी छात्र संघ चुनाव के यहां नतीजे घोषित हुए। मैं इस समय खड़ा हूं कानोडिया कॉलेज में, जहां आप देख सकते हैं कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद जो छात्राओं का जोश है वो दुगना हो गया है। कानोडिया कॉलेज में अध्यक्ष पद के लिए जो उम्मीदवार जीती है वो गंगा देवी है, उपाध्यक्ष पद पर साक्षी तंवर है, महासचिव संयुक्त सचिव पद पर सेजल मीणा, महासचिव पद पर चंचल सोनी यहाँ पर चुनाव जीती है। ये नजारा जो आप देख रहे हैं कानोडिया कॉलेज का है, जहाँ अपने प्रत्याशी की जीत के बाद सभी छात्राओं में जो है वो खुशी दुगनी हो गई है। कॉलेज में छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्राएं यहाँ ढोल नगाड़ों पर अपने जीती हुई प्रत्याशियों का खुशी बनाकर इजहार कर रही है, गुलाल उड़ाकर इजहार कर रही है। कानोडिया कॉलेज का नजारा आप देख रहे हैं, जहाँ छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्राओं में खूब जोश उमंग और जुनून यहाँ नजर आया। और जब मतगणना इनकी हुई तो उसके बाद जो इनकी मनपसंद जो प्रत्याशी थी वो चुनाव जीती। उसके बाद यहाँ इन छात्राओं की जो खुशी थी वो दुगनी हो गई है। कानोडिया कॉलेज का आपने नजारा देखा, जहाँ छात्र संघ चुनाव के बाद छात्राओं में चुनाव का जो मतगणना का जो उत्साह और जुनून था वो चरम पर दिखाई दिया। कैमरा पर्सन दिनेश मेहरा के साथ राहुल भारद्वाज, A1 TV जयपुर।